What we have discussed in our last class, chapter 5. Okay, and today we are going to start our chapter 6, that is Below the Shiv. इस चैप्टर में क्या है कि मिलो नाम के कैट है जो शेफ है, ठीक है। शेफ किसे कहते हैं? जो खाना बनाने में स्पेशलिस्ट हो, खाना बनाने में परफेक्ट हो। वंस देयर वाज ए कैट नेम्ड बिलो, एक मिलो नाम की कैट थी। मिलो लिव्ड इन ए बिग हाउस विद एन ओल्ड लेडी। मिलो जो थी वो एक बड़े घर में एक ओल्ड लेडी के साथ रहती थी। द ओल्ड लेडी लव्ड मिलो वेरी मच। वो ओल्ड लेडी जो थी वो मिलो से बहुत प्यार करती थी। मिलो हैड ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड एंड फ्लेवर्स। मिलो को बहुत अलग अलग फ्लेवर के जो है खाना बनाने की जानकारी थी। शी वॉन्टेड टू बी ए शेप, और वह शेप बनना चाहती थी। She knew everything about food and could make tasty dishes. वह बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी डिशेज बनाना जानती थी। बट द लेडी डिड नॉट नो मिलोज सीक्रेट। बट जो वो ओल्ड लेडी थी उसको मिलो के बारे में, मिलो का ये सीक्रेट नहीं पता था कि मिलो जो है अच्छा खाना बनाना जानती है। वन डे शी फेल सिक, एक दिन वह बीमार पड़ गई। कौन है? ओल्ड लेडी। शी हैड टू बी शिफ्टेड टू ए प्लेस वेयर कैट्स वेयर नॉट अलाउड। तो बिलो ने क्या किया, उसे ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जहाँ पे किसी दूसरी कैट का आना अलाउड नहीं था। द ओल्ड लेडी डिसाइड टू फाइंड ए न्यू ऑनर फॉर हर कैट्स। वो जो ओल्ड लेडी थी उसने डिसाइड किया कि वो एक नया ओनर, उसके लिए नया मालिक ढूंढेगी। किसके लिए? कैट के लिए। सून सी फाउंड ए हम्बल पर्सन, और उसे एक विनम्र इंसान भी मिल गया था। किसको? ओल्ड लेडी को। ही वाज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिलो। वह मिलो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। नाउ मिलो फाउंड ए न्यू ओनर, दिस ओनर वाज ए सेफ नेम बंटी। वो जो नया ओनर मिला था ओल्ड लेडी को, उस नए ओनर का नाम था बंटी, और वो क्या था? शेफ था। द किचन ऑफ ओल्ड लेडी वाज गुड। ओल्ड लेडी का जो किचन था वो बहुत ही अच्छा था। बट बंटीज किचन वाज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। देयर वेयर सो मनी स्पाइस एंड सॉसेस। लेकिन और जो बंटी जो था उसको वो किचन बहुत पसंद था, और उसे बहुत उस किचन में बहुत स्पाइस एंड सॉस रखे थे। वन मॉर्निंग मिलो वॉक अप बिफोर बंटी। एक दिन जो है मिलो बंटी से पहले उठ गई। सी गॉट द चांस टू इंटर द किचन। उसने किचन में इंटर होने का चांस ले लिया, मतलब वो किचन में चली गई। शी स्टार्टेड मेकिंग एन ऑमलेट फॉर हर ओनर, और उसने ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया। किसके लिए? अपने ओनर के लिए। सडनली बंटी वॉक अप एंड वेंट टू द किचन, और अचानक बंटी उठा और किचन में गया। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिलो वॉज कुकिंग एंड कुड नॉट बिलीव हिज आई। उसने देखा कि जो मिलो है वो कुछ पका रही है, और उसे अपनी आईज पे बिलीव नहीं हुआ कि भाई कैट भी कुछ पका सकती है या कुछ बना सकती है क्या। वैन मिलो सा हर ऑनर, जब ओनर ने मिलो को देखा तो बहुत शॉक्ड हो गया। शी गॉट स्केर्ड, लेकिन जो मिलो थी वह उस ऑनर को देखकर डर गई थी। द पैन फेल डाउन मिलो फ्रॉम मिलोज पाव। लकीली देयर वॉज नो ऑमलेट इन इट। और जो पैन था वो डर के मारे उसके हाथ से पैन जो है वो हाथ से छूट गया था, नीचे गिर गया और उसके पंजे पे गिर गया। ये तो उसके गुड लक से उस पैन में ऑमलेट नहीं था। बंटी रैन टू मेक
श्योर दैट सी मिलोवाज नॉट हर्ट। बंटी लेकिन यह जानने के लिए किचन की तरफ दौड़ा कि मिलो को कहीं चोट तो नहीं लगी। ही आस्क्ड हर वेदर शी मेड दिस ऑन हर ओन। बंटी ने मिलो से पूछा कि क्या तुमने इस पैन में कुछ पकाया है और क्या तुमने अपने दम पर पकाया है। मिलो नॉडेड। मिलो ने क्या किया, गर्दन हिलाई, हाँ की जैसे, है ना, हाँ की गर्दन हिलाई। बंटी वाज अगेन शॉक टू नो दैट नॉट ओनली शी कुड कुक बट ऑल्सो अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज। बंटी जो था वापस शॉक्ड हो गया, वह उसकी लैंग्वेज तो नहीं समझ पाता था लेकिन वह जान गया था कि वह उसी ने वो पकाया है, ठीक है, ऑमलेट। बंटी एट दैट ऑमलेट एंड इट वाज वेरी टेस्टी। और बंटी ने वह ऑमलेट खाने की बंटी ने वो ऑमलेट टेस्ट की तो उसे खाने में बहुत टेस्टी लगी। तो बंटी ने क्या कहा कि यह तो बहुत टेस्टी है। बंटी डिसाइडेड दैट मिलोज टैलेंट शुड बंटी ने डिसाइड किया कि मिलो के पास तो बहुत टैलेंट है। नॉट टू वर्ड कि मिलो के पास तो दुनिया में बहुत बड़ा टैलेंट है। ही मेड हर ए शेफ इन हिज रेस्टोरेंट। उसने क्या कहा कि मिलो ने सोचा कि जो है उसे रेस्टोरेंट के अंदर एक अच्छा शेफ बनाएगा, किसको, उस मिलो को, कैट को एक अच्छी शेफ बनाएगा। सून मिलो गॉट रिकॉग्नाइज इन द वर्ल्ड और उसे एक पहचान दिलाएगा, ठीक है, किसको, कैट को, एक पहचान दिलाएगा उसे शेफ बना के। एवरीवन वाज अमेज्ड टू सी और सभी लोगों ने जब वह उसे रेस्टोरेंट में लेके गया तो वहाँ उसने खाना बनाया तो सब लोग देखकर उसे शॉक्ड हो गए कि कोई कैट भी इतना अच्छा खाना बना सकती है क्या। द फर्स्ट एवर शेफ कैट, इस दुनिया की पहली कैट है जो शेफ है। मिलोज स्टोरी टीचेज अस दैट नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग आवर ड्रीम, वी जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। मिलो की स्टोरी पढ़ के हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, सिर्फ हमें उसके लिए दिल लगाकर मेहनत करनी पड़ती है, है ना। फिर देखिए हार्ड मीनिंग फ्लेवर्स क्या होता है, टेस्ट। फ्लेवर को तो होता है अलग अलग प्रकार का टेस्ट। शेफ क्या होता है, ए प्रोफेशनल कुक। शेफ किसे कहते हैं, एक प्रोफेशनल कुक को कहते हैं। सीक्रेट समथिंग दैट इज केप्ट अनटोल्ड। सीक्रेट किसे कहते हैं, ऐसी बात जो किसी को मालूम ना हो। शिफ्टेड मीन्स मूव करना, दूसरी जगह पे मूव करना। हम्बल होता है पोलाइट, विनम्र। रेस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज कंट्रोल। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। ऑनर किसे कहेंगे, ए पर्सन हु ऑन समथिंग, ठीक है, ऑनर किसे कहेंगे, मालिक को। स्पाइसेस सब्सटेंस यूज टू ऐड टेस्ट टू फूड। स्पाइसी किसे कहेंगे, मसाले को, जो फूड को टेस्टी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ऑमलेट ए डिश ऑफ बीटन एग्स कुक इन ए फ्राइंग पैन। ऑमलेट किसे कहते हैं, एग्स की ऐसी डिशेज जो फ्राई पैन में बनाई जाती है। शॉक किसे कहते हैं, स्टंड सरप्राइज को, देख के चौकन्ना होना। नॉडेड क्या होता है, टू मूव हेड स्लाइटली, गर्दन हिलाना। रिकॉग्नाइज नॉन पहचानना, पहचान दिलाना। अमेज्ड ग्रेटली सरप्राइज, अमेज किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होना, बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना। ओके, सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, सी मेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।